उमंग में सिंदूर आते ही लड़की औरत बन जाती हैं, अपने माता पिता को छोड़ पति के माता पिता को अपनाती हैं। शादी के तुरंत बाद दीदी से आंटी बन जाती हैं। अक्सर हमने देखा है शादी की अगली सुबह पति आराम फरमाते हैं और पत्नी रसोई के काम में लग जाती है। पत्नी की हर गलती गलती मानी जाती है और पति के हर गलती पर पत्नी की गलती निकाली जाती है। पत्नी का किसी अनजान को देखना तिर्यचरण कहा जाता है। पति का किसी और को देखना पत्नी के प्रेम की कमी दर्शाता है। पति ऑफिस से घर आता है तब पानी का ग्लास बिन बोले मिल जाता है। जब पत्नी ऑफिस से घर आती है तब पानी खुद ले लेगी ऐसा कहा जाता है। पति के सोने के बाद पत्नी सोती है, पति के उठने से पहले पत्नी उठती है। घर के सारे काम कर ऑफिस में जाती है, पति के घर खर्च में हमेशा हाथ बटाती है। घुट घुट कर रहती है, कुछ बोल नहीं पाती है। सभी का ख्याल रखने में खुद को भूल जाती है। अपने दर्द और पीड़ा को कभी नहीं जताती है। उसकी आंखों के नीचे बढ़ रहे काले घेरे बताते हैं। उसे कोई समझता नहीं, अपने ही उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। यह महसूस कर किसी भी पत्नी का मनोबल गिर जाता है। इस आधे अधूरे जीवन में उसका विश्वास टूट जाता है। इस समस्या को सुलझाना है तो पति को आगे आना होगा। पत्नी के सपनों को जिंदा कर उसकी खुशियां फिर लौटाना होगा। पत्नी की खोई गरिमा और उसका विश्वास जगाना होगा। हर परिस्थितियों में पति को पत्नी के साथ हमसफर बन पति धर्म निभाना होगा। पति धर्म निभाना होगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।